मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब लड़कियों की प्रॉब्लम है। हम पुराने कपड़े फेंकते नहीं है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, उसके बाद उन्हें पोटलियां बना बना के अंदर घुसा देते हैं, और जब सफाई करने की बारी आए तो हमारी हालत ये हो जाती है। Welcome back to my channel. This is Pooja and in this video I am going to declutter my wardrobe. And yes, you heard me right. By decluttering I mean अपनी उन चीजों को जो मैं नहीं पहनती हूँ उनको मैं किसी को दे दूंगी, like I'll be donating them. और जो चीजें मैं पहनती हूँ उन्हें किस तरीके से पहनती हूँ, like given the current scenario I am always in my t-shirts या pajamas या shorts, तो उनको आगे आगे रखूंगी अपनी अलमीरा में. एंड दीज क्लोथ्स दैट आई डोंट वेयर एट ऑल बट आई डू नॉट वांट टू गिव देम अवे, उनको भी मैं किसी तरीके से एडजस्ट करूंगी. या दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू. उससे पहले अभी मेरी अलमीरा में सिर्फ और सिर्फ विंटर क्लोथ्स हैं एंड समर क्लोथ्स ही नहीं है. आई एम गोइंग टू फर्स्ट टेक आउट ऑल माई विंटर क्लोथ्स और उसके बाद आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग. वी कैन डू अ बैक स्टोरी बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो. तो आई वॉज लिविंग अलोन फॉर 3 years इन अ 3 BHK. आई हैड 3 wardrobes और उसमें एक समर वार्डरोब था मेरा, एक विंटर था एंड वन वॉज ओनली फॉर शूज. येस आई वॉज दैट प्रिविलेज्ड. पर अब सिर्फ एक वार्डरोब है बिकॉज वेन आई गॉट मैरिड माई हस्बैंड एंड आई डिसाइडेड टू रेंट अ प्रॉपर्टी और उसके बाद हम वहीं रह रहे. अब यार यहाँ पे यू नो हाउ रेंटेड प्रॉपर्टीज आर, तुम खुद सोचो 3 wardrobes के कपड़े एक अलमीरा में नहीं आ सकते हैं. एंड चलो शूरक वूरक सब मैनेज हो गया, बट अब भी सिचुएशन ऐसी है कि माई विंटर क्लोथ्स आर लाइक ऑलवेज लाइंग अराउंड हेयर एंड देयर, क्योंकि जब विंटर्स नहीं होती हैं तो मैं उनको किसी भी तरीके से किसी बैग वैग में फिट करके स्टोरेज में डाल देती हूँ. बट माई समर क्लोथ्स आर नॉट इवन अनपैक्ड. 2019 के समर से अभी तक मुझे समर क्लोथ्स की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और जितने कपड़े मुझे चाहिए होते थे वो या तो मैं नए पहन लेती थी या फिर हनीमून के कपड़े चल रहे थे या फिर एक दो कपड़े मैंने निकाल भी लिए थे उसमें से. बट जो मेरे एक्चुअल समर क्लोथ्स हैं वो अभी तक पैक्ड ही पड़े हैं, उनको खोला भी नहीं है. तो दीज आर लाइक ह्यूज मूवो पैकर वाले ब्राउन बॉक्सेस जिसमें वो बंद. आई एम गोइंग टू गिव अवे अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. तो मैं डोनेट करने वाली हूँ अपने कुछ कपड़े उन लोगों को जिनको कपड़ों की जरूरत है और उन लोगों को जिनको नहीं है पर उनको चाहिए होंगे, जैसे कि मेरी मम्मी, बहन और एक दो मेरे कजिन्स. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दिस तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मुझे पता है मैं ब्लंडर करने वाली हूँ बहुत गंदे गंदे और मेरे को ऐसे ऐसे कपड़े मिलने वाले हैं जो मेरे को याद भी नहीं होंगे या आई होप कि ना मिले और मेरे को कुछ भी देना ना पड़े और से मुझे ऐसा लगे वाओ मेरे पास तो सिर्फ उतने ही कपड़े जितने मुझे जरूरत है, जैसा कि कभी नहीं होने वाला. बट या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट. वो मेरी वेइंग मशीन है, प्लीज उसके बारे में बात ना करें. तो आई विल बी ओपनिंग इट नाउ एंड लुक एट द कंडीशन यू गाइस. ये देखो ये हालत है, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज लाइक. और ये मत सोचना कि ये इतना ही दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें जितना दिख रहा है उतना नहीं है, इसके पीछे तो पता नहीं कितने ही भर रखे हैं मैंने. सो दिस इज द होल अलमीरा सिचुएशन. लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. चलो कुछ तो करते हैं, लेट्स डू इट. सो गाइज दिस इज द कम्प्लीट मैस. यहाँ पे मेरे सारे विंटर क्लोथ्स हैं और थोड़े बहुत समर भी हैं, ये सब मैंने अभी अपनी अलमीरा से निकाले हैं. एंड जस्ट लुक एट दिस गाइज, ये क्या ही है. सो द फर्स्ट सेक्शन गॉट एम्प्टी, इसमें मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया. नीचे एथनिक है और थोड़ा बहुत अजीब सा सामान है. दिस इज द बैग आई एम गोइंग टू यूज टू कीप दिस स्टफ. इसमें पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा. क्लियरली गाइज आई एम लूजिंग इट, जस्ट देखो ये लगेज बैग की हालत. मैंने इसमें कितने कपड़े डाल दिए हैं और फिर भी इसकी आई एम एक्चुअली लूजिंग इट. अब इसको मेरे को फोल्ड करना पड़ेगा दोबारा और बंद करना पड़ेगा. इसकी हालत देखो, मुझे नहीं लगता मेरा आज पूरा संडे इसी में निकलने वाला है. आई एम गोइंग टू नाउ ब्रिंग वो दोनों बड़े बड़े ब्राउन बॉक्सेस और अब उसमें से समर क्लोथ्स निकलने वाले हैं पुराने 2019 से पहले के. एंड विंटर क्लोथ्स आर नाउ डन. दिस मेस इन माई बैकग्राउंड, ये सब भी समर क्लोथ्स ही हैं. आई हैव जस्ट रियलाइज कि मैंने 2-3 साल में भी काफ़ी जमा कर लिए हैं. तो या अब लेट्स सी कि क्या होने वाला है. सो गाइज दीज आर द 2 big boxes और यहाँ पे मेरे सारे समर क्लोथ्स पड़े हुए हैं. यहाँ पे गौतम अपना कुछ सफाई करने में लगा हुआ है. ओ गॉड वी आर इन अ मेस.
एडिंग मोर टू माई ट्रबल, जहाँ पूरी पानी की बॉटल गिर गई, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए. डूड नाउ द सिचुएशन इज, एक बॉक्स मैंने खाली करा है एंड आई विल शो यू कि ये जो पड़ा है सामान जितने भी है ये मैंने अभी डिस्कार्ड करे हैं. बहुत कम ही डिस्कार्ड कर पाई हूँ मैं, पता नहीं यार मेरे को क्या ही दिक्कत है. ये एक बॉक्स और है तो लेट्स सी, आप लोगों के साथ ही देखती हूँ. यार ये मेरा ना ओनली से खरीदा हुआ सबसे गंदा कपड़ा है, लेट मी शो यू. पता नहीं मैंने क्या सोच के लिया था. लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस. आई जस्ट बॉट इट फॉर दिस फेस मैन, मैंने सिर्फ इस फेस की वजह से ले लिया था एंड फॉर सम रीजन इसका बैक काफी अच्छा था. लेट मी शो यू, देखो तुम बोर हो मेरे साथ. ये देखो, दिस इज मी, दिस इज व्हाट आई डू. लेटर, इसका लेटर लिखा है, लेटर हेटर्स. ओ अच्छा, तभी आई बॉट इट, नॉट नॉट अ बैड परचेस. लेटर हेटर्स, दिस इज ऑन इट्स बैक. इट्स वेरी कूल फंकी टॉप, मुझे उस टाइम लगा था मैं इसमें बहुत कूल लगूंगी पर मैंने बहुत कम पहना है. तो आई थिंक आई एम स्टिल नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे, मैं रखने वाली हूँ. कुछ कपड़ों के साथ ना कुछ सेंटीमेंट्स अटैच होते हैं, लाइक दिस ड्रेस, दिस एंड ड्रेस. मैं आपको इसकी बैक स्टोरी देती हूँ. दिस इज इन द साइज एक्सेल, पर जब मैं पतली हुई थी तो मैंने इसको एम तक भी पहुंचा दिया था ऑल्टर करके, बट फिर सोचो मैं फिर मोटी हुई और मैंने फिर इसको बैक एक्सेल कर. ये सब मैं करती रहती हूँ, मतलब मैं अपने कपड़ों को एक्सेल से एम बनाती हूँ, फिर एम से उसको एक्सेल कर देती हूँ. कभी कभी उसे खुलवा के डबल एक्सेल भी करना पड़ जाता है, बट अभी तक हम एक्सेल से खुश हैं. तो लेट्स सी, अभी मुझे ये भी याद नहीं है कि अभी एक्सेल में है या एम में है या क्या साइज चल रहा है स्ट्रेस का, बट आई शैल फाइंड इट आफ्टर सम टाइम, जब मैं ट्राई करके देखूंगी वो कपड़े जो मुझे रख रहे हैं और जो फेंक रहे हैं. लुक एट द मेस गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि आज आज के दिन ये खत्म हो पाएगा. आई जस्ट होप हो जाए. और ये देखो ये यहाँ से फट चुका है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉप, लेट मी शो यू. तो इट गोज लाइक ऐसा है ये, ठीक है. इट वाज लाइक दिस, आई हैड टू वेयर अ ट्यूब टॉप या कुछ इसके अंदर, बट दिस गाय गौतम यार, जब शादी से पहले ये आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इसका टैग काट दे, मतलब देयर वाज अ टैग यहाँ से वो जो दिखता था, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि वो कट कर दे. And this dude, इसने पूरा मेरा स्वेटर काट दिया. And I've never worn this in my entire life. और मैं बस इसको रखती हूँ. ये मेरे द्वारका से यहाँ भी आया है, 3-4 साल से मेरे पास पड़ा है. मैंने इसको एक बार नहीं पहना है क्योंकि मैं इसको पहन ही नहीं सकती हूँ यार. Just look at this. Cute. पर अब क्या हो सकता है? I am the OG. मतलब जब सरोजनी की बात आती है मेरे को सब कुछ गलियों की दुकानों के सब, मतलब I am crazy for सरोजनी. तो मुझे मतलब अभी भी जब मैं look at these people blogging about सरोजनी हो, ये अब तो नहीं क्या पहले, I'm like oh my god girl, you still don't know that place, मुझे पता, I can tell you. अरे ये another Delhi story for you guys. ये jacket is from Palika Bazaar. Yes guys, you heard me right. मेरे पास पैसे नहीं थे leather jacket खरीदने के, मैं college में थी and I had to wear a leather jacket to my fest. I somehow like the color of this jacket और मैंने ले लिया, but I am surely not going to wear this क्योंकि अब मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी leather jackets है. उस time पे crunch रहता था क्योंकि pocket money से हम leather jacket तो नहीं afford कर सकते थे. Don't know about you guys but मेरी pocket money बहुत कम होती थी. Look at this, it's now empty. And ये जो है, this is the, ये mess है. ये जो mess देख रहे हो ना, ये वाला mess actually है जिसको मेरे को sort करना है और ये जाएगा मेरे wardrobe में. ना बहुत गंदा है तो ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी. सब करेंगे, सब करेंगे. अभी तो यार, अभी तो party शुरू हुई है. Guys, कुछ नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा. यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है. सारी जगह मेस है, पर फिर भी पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं. अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं. मैं आ गई तो मेरा काम खत्म हो गया. कुछ काम वाम नहीं खत्म हुआ है मेरा. पीछे देखो कपड़े कितने हैं, पता है कितना काम है. इतने कपड़े इस दुनिया में, फिर भी हमारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं था. और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब लड़कियों की प्रॉब्लम है. हम पुराने कपड़े फेंकते नहीं है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, उसके बाद उन्हें पोटनियां बना बना के अंदर घुसा देते हैं, और जब सफाई करने की बारी आए तो हमारी हालत ये हो जाती है. और अभी भी हम डैम श्योर गाइस, अगर मुझे आधे घंटे बाद भी बोला जाए ना कि कहीं जाना है, तो अभी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होने वाले. ये पहाड़ है ना, इसके पीछे से भी कुछ नहीं निकलने वाला. कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, तो क्या है ये, क्या है ये, कहाँ से आते हैं सफाई के टाइम पे इतने कपड़े. और पी पी मुझे कोई आधे घंटे बाद भी बोलेगा. मुझे जिस लेवल की थकान हो रही है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब मैं आज से नहीं, आज के बाद कभी भी शॉपिंग करने जाऊंगी ना, तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग दैट आई डोंट नीड. या मैं कभी भी अब स्ट्रेस शॉपिंग नहीं करने वाली, बिकॉज आज मैंने जो
मेरी जो हालत हुई है ना आज, एंड ऑल्सो मैंने ये टॉप चेंज कर लिया है, पिंक वाला टॉप उठा के धोने डाल दिया क्योंकि वो इतना गंदा हो गया था उन बॉक्सेस से, बॉक्सेस में इतनी धूल थी। आई जस्ट होप कि मैं जल्दी से सही हो जाए। ऑर्गेनाइजिंग कैंट लीव यू डिसऑर्गेनाइज्ड। सो गाइस, थॉट ऑफ गिविंग यू एन अपडेट, यहाँ पे वो सारे कपड़े हैं जो आई एम गोइंग टू डोनेट, एंड वहाँ पे और यहाँ पे दीज आर द क्लोथ्स दैट आई हैव टू फिट इनटू दिस अलमीरा। नाउ आई विल गेट बैक टू वर्क। हाय गाइस, तो फाइनली अलमीरा साफ हो चुकी है और यू वुडंट बिलीव गाइस, मैं चार पाँच घंटों से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आई वॉज ट्राइंग एंड ड्राइंग एंड ड्राइंग, पूरा ढेर बन चुका था। एंड आई सक एट फोल्डिंग क्लोथ्स, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी सारे क्लोथ्स को तैक वैक करने में। थैंकफुली माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ केम टू द रेस्क्यू एंड दे रियली रियली हेल्प मी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने फाइनली अपनी अलमीरा के साथ क्या किया है। बहुत सारे कपड़े अंदर फिट हो गए हैं एंड बहुत सारे कपड़े मैं देने वाली हूँ इधर उधर। आई जस्ट होप कि जितने मैंने रखे हैं मैं इनको पहन लूँ, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा रख लिए हैं। बट या आई विल शो यू हाउ आई हैव सेट माय अलमीरा, सो कम विद मी। सो गाइस, दिस इज द अलमीरा सिचुएशन। यार मतलब कैन यू इमेजिन, जब मैंने आप लोगों को वो कूड़ा दिखाया था इतना सारा बड़ा पहाड़ सा, तब कितने ज़्यादा कपड़े लग रहे थे। क्विकली स्टार्ट विद यहाँ वाला सेक्शन, तो ये सारी जीन्स हैं। इनमें से काफ़ी जीन्स मुझे ट्राई करके देखनी पड़ेंगी कि मुझे फिट हो रही है नहीं हो रही है क्या सीन है, बट हाँ मोस्ट ऑफ देम आर न्यू सो ये मुझे आ जाएंगी। यहाँ पे आई हैव केप्ट माई जिम क्लोदिंग, योगा क्लोदिंग, ये सब सारे मतलब एक्सरसाइज वर्कआउट क्लोथ्स हैं। यहाँ पे वी हैव माई टी शर्ट्स दैट आई कैन प्रॉब्ली वेयर आउट जब मेरे को बाहर जाना हो, अभी तो फिलहाल ग्रोसरीज लेने ही जाना होगा। ये सारी टी शर्ट्स हुए जो मैं घर में पहनती हूँ, ये सारे मेरे जॉगर्स हैं एंड थोड़े से शॉर्ट्स वॉर्ट्स हैं, ये सारे मेरे नाइट के कपड़े हैं, ये जितने भी हैं मतलब इसमें कुछ कुछ नाइट गाउन्स भी हैं और थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे कपड़े भी हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड हाँ, ये वाली जो टी शर्ट्स है ये रैंडम मैं जब शूट करती हूँ या कभी कुछ करती हूँ, जैसे आपको देख सकते हो ये वो वाले टॉप्स हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव केप्ट वो वाले क्लोथ्स आगे आगे जो मैं डेली पहनूंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आई वोंट बी गोइंग आउट, तो जो अच्छे अच्छे वाले मैंने पीछे कर दिए। एनी टाइम मुझे अगर शूट वूट करना होगा या जो भी करना होगा तो मैं पीछे से भी निकाल सकती हूँ उसे, तो आगे रखने की उन्हें कोई नीड नहीं है। दीज आर द वंस, ये मेरे थोड़े फैंसी वाले टॉप हैं, ये थोड़े ऑफिस वाले टाइप के हैं, तो आई थॉट कि इनको पीछे रख दूँ क्योंकि आई एम डैम श्योर कि मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म नहीं होने वाला है। ये सारे मुझे स्टिल शॉर्ट करने हैं क्योंकि ये सारे वो हैवी हैवी वाले हैं, मैंने शादी के टाइम पे लिए थे एंड नाउ तो आई एम नॉट वेयरिंग देम कहीं पर भी। नाउ लेट्स कम टू द अदर सेक्शन, इसमें है सारा एथनिक, सो आई विल शो यू मैंने इसको कैसे कैसे रखा है। तो यार दीज आर द लेगिंग, यहाँ पे है यार स्कर्ट्स, प्लाजोज, सारे एथनिक टाइप के जो बॉटम्स हैं वो हैं। तो या गाइस, यहाँ पे है मेरे सारे बॉटम्स, दीज आर आई थिंक प्लाजोज है सूट के साथ वाली, ये सारी एथनिक बॉटम्स हैं, ये भी ऑलमोस्ट प्लाजोज ही है बट कुछ कुछ स्कर्ट्स भी हैं, इंडियन वेस्टर्न टाइप से पहनते हैं। दीज आर अ कपल ऑफ सूट्स, ये एक नॉर्मल सूट है, ये थोड़ा सा फैंसी है, दिस इज आई थिंक एन एथनिक ड्रेस, तो ये सब वो रैंडम कपड़े हैं जो मुझे पता है मैंने नहीं पहने हैं। सारे कुर्तीज हैं, आई मीन या दीज आर ऑल कुर्तीज, ये कुर्तीज को मैं इनके साथ पेयर कर लेती हूँ। दीज आर ऑल माई सूट्स, ये काफी हैवी है। नाउ द रियल डील, ये है सारी ड्रेसेस गाइस, ये पूरा सेक्शन ड्रेसेस और जंप सूट्स का है ऑलमोस्ट, मतलब अभी आपको दिख नहीं रहा ढंग से बट ये सब एक के अंदर एक है, बहुत मुश्किल से रखी है। सारे जंप सूट्स हैं एंड ये स्कर्ट है, ये भी डेनिम स्कर्ट है, वो छोटी सी जो आपको दिख रही है वो H&M की स्कर्ट है। इफ यू गाइस वांट टू सी ये वाली सारी चीजें तो आई कैन डेफिनेटली शो यू दैट बट इन अनदर वीडियो। सो या दीज आर ऑल माई ड्रेसेस, समर ड्रेसेस हैं ये सारी, विंटर वाली मैं बंद कर चुकी हूँ। इफ यू कैन सी इंडियनिज्म, तो ये इसमें मैंने सारी अपना चुन्नी वुन्नी सब रख दी है क्योंकि वो मेरे को रखने का कहीं जगह नहीं मिली। या गाइज, दैट इज इट फॉर माई वार्डरोब।
गाइस फाइनली अलमीरा साफ हो चुकी है एंड माय वार्डरोब लुक्स प्रीटी कूल. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दो. और ये जरूर बताना कि आपके पास भी इतने कपड़े हैं, और अगर इतने कपड़े हैं तो क्या फिर भी आपके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता है मेरी तरह. आई जस्ट होप गाइज आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर पाओ. और मुझे ये करने में बहुत थकान हो गई है, मजा भी आया पर थकान भी हो गई है. बट या आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून सैटरडे को विद अनदर पिक्सी वीडियो. एंड या टिल द टाइम प्लीज 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 चेक आउट ऑल माई अदर वीडियोज. मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. I make pretty awesome content on all my socials, so follow me on Instagram, Facebook, Twitter, and Snapchat. I'll see you guys in the next one. Bye.